हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखिए अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देने चाहते हैं इस महीने के लिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक फ्रेंड्स आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए जेमिनी, देखते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। जेमिनी मिथुन राशि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि अक्टूबर मंथ, डेविल, ब्यूटीफुल मैसेज। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या आता है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है सन, जेमिनी आप में से कुछ लोगों को नेगेटिविटी बहुत प्रभावित, मतलब प्रभावित के नहीं मैं कहूँगी, आपके ऊपर इम्पैक्ट बहुत डाला है नेगेटिविटी ने या डाल रही है इस महीने। मे भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके लेट्स सी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। कैप्रिकॉन बॉटम ऑफ द डेक है। द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। आई डोंट नो, बड़ी ही लोस्ट एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि अक्टूबर मंथ, यू आर गुड इनफ। बॉटम ऑफ द डेक है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैं ये दोनों लेना चाहूंगी। सी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन एक्लिप्स। ओके, ये कार्ड तो पता नहीं क्यों मेरे पे बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है इस समय और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये कार्ड। अक्सर ऐसा होता नहीं है पर आज हो रहा है इस वक्त। जेमिनी, ये आपका थीम रहने वाला है, मतलब इन इमोशंस से आप अक्टूबर मंथ में गुजरने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो अक्टूबर मंथ रहने वाला है ना, आपको जैसे कि अगर मैं नॉर्मल वे में बोलूँ कि नेगेटिविटी या अंधेरा जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो आपको रोशनी की तरफ जाने से जैसे कि रोकेगी। अभी वो वे कोई भी हो सकता है, वो धन का माध्यम हो सकता है, क्रोध का माध्यम हो सकता है, या किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो चीज़। तो लेकिन ये बहुत, इसका प्रभाव आप पर बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी खुद की कोई एडिक्शन हो सकती है या ये इम्पैक्ट बहुत डालेगा इस महीने। ये चीज़ उठने वाली है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और मे बी ये कोई पास्ट का आपका कोई रिलेशनशिप हो, या आपकी पास्ट की कोई सिचुएशन हो, या फिर आपकी कोई आदत जिसको शायद आप छोड़ रहे हो लेकिन वो फिर से जग रही है। कुछ ना कुछ है जो इम्पैक्ट आप पर डाल रहा है अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, अपनी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। तो ये जो है ये इस महीने उठेगा। आलस्य हो सकता है, लेज़ीनेस हो सकता है, जिस वजह से कि आप बहुत, मैं कहूँगी बहुत लॉस्ट फील करने वाले हो
और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, अपने ही पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, या फिर मैं कहूँगी जो आप एग्जैक्टली करना चाहते हो ना, कुछ समय के लिए आपको जैसे समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, या फिर हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने पाथ से हटो, समझ रहे हो, उस पाथ पर जा ना पाओ, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको ये ना डीमोटिवेटेड करने वाली ऊर्जा आ रही है, यहाँ पर आपको नीचे गिराने वाली ऊर्जा आ रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस ऊर्जा से आप बाहर आ सकते हैं बहुत ईजिली, ये उठेगी, ये हमें बताया जा रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता होता तो एक अलग मैटर था कि आपको पता ही नहीं है ये चीज़ हो सकती है और आप उस पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि हाँ ये सिचुएशन हमारे साथ हो सकती है, ऐसी फीलिंग्स हमें हो सकती हैं या ऐसा सिचुएशन हमारे साथ घट सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है और उसको लेकर के एक्शन लेने हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ये जो दिखाया गया है सन का कार्ड है, देखिए योगा कीजिए, अपने आप को जितना हो सके एक्टिव कीजिए, ठीक है, लेजीनेस में मत आइए। अगर आपको ये आदत है कि आज का काम कल पर छोड़ने की, तो प्लीज़ ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए, अपने पैशन के साथ जुड़िए, जो आपको करना पसंद है उसके साथ जुड़िए, वो काम कीजिए। मैं कह रही हूँ नहीं करना तो भी कीजिए, समझ रहे हैं आप, ये आपकी एनर्जीज को जो है हाई रखेगा, जिस वजह से कि ये जो एनर्जी है ये आप पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी, असर नहीं डालेगी, आपकी एनर्जी को लो नहीं करेगी। अगर आप देखिए सुबह उठिए, सूर्य देव को नमस्कार कीजिए, जल चढ़ाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, योगा कीजिए, वॉक पे जाइए और अपने पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आए यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, अपनी केयर करने की ज़रूरत है, अपने पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ क्या है कि ये जो ऊर्जा आ रही है ना, ये आपको इतने लो वाइब्रेशंस में लेकर जा रही है कि सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं, लो कॉन्फिडेंस आ सकता है, तो इससे आपको बाहर आना है। ये ऊर्जा आ रही है, लेकिन इसके लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है, हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई करनी है, ठीक है, हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, और वो हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि आज का काम हम कल पर नहीं डालेंगे और जितना क्रिएटिव हो सके हम होएंगे, ठीक है। चाहे वो क्रिएटिवनेस आपके अंदर किसी भी तरीके की हो, आपको खाना बनाना पसंद है या बच्चों के साथ खेलना पसंद है, घर को सजाना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, या फिर आप कुछ अलग सा आर्ट करते हो, पेंटिंग करते हो, डांस, सिंगिंग, समथिंग, कोई म्यूज़िक आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना पसंद है, या फिर आप डांस में बहुत अच्छे हो, सिंगिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, कुछ भी, आप बाथरूम सिंगर अच्छे हो सकते हो, कुछ भी माय डियर, कुछ भी, समझ रहे हैं आप। तो जो मन करता है उसे कीजिए, उससे क्या है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई रहेगी। और इसके साथ ही साथ नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। कोई काला धागा हर किसी के घर में, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को नज़र से बचाने के लिए या नेगेटिविटी से दूर करने के लिए बहुत चीज़ें बताते हैं। आप ब्लैक टर्मिलिन ब्रेसलेट जो है आप वियर कर सकते हो, आप मुझसे परचेज कर सकते हो, या कहीं से भी आप ऑनलाइन बहुत मिल जाते हैं, आपको ब्लैक टर्मिलिन का ब्रेसलेट मिल जाएगा, आप उसे वियर कीजिए, काला धागा चैंट करके पहनिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए। हाई वाइब्रेशंस में भी जाना है और उसके साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी लेनी है, और अपने आप को कम नहीं आंकना, ये आपको बोला जा रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जेमिनी, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट की सिचुएशन, पास्ट का पर्सन, या पास्ट की आपकी कोई हैबिट्स या कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपको डीमोटिवेट करे दोबारा से आकर के नीचे झुका, या बैक, मतलब पुश बैक करे आपको, समझ रहे हैं आप मेरी बात। आपको उस ऊर्जा को अपनी एनर्जी देनी ही नहीं है, आपको उस तरफ देखना ही नहीं है, आपको ये बोला जा रहा है। इमोशन से जुड़ी हुई कोई इंसिडेंट हो सकता है आपका, कोई इमोशनल इंसिडेंट आपका हो सकता है, तो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, मे बी बहुत ही आप उस चीज़ को लेकर के, उस सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हों, तो कोशिश कीजिए कि उस एनर्जी को अभी आप अपनी ऊर्जा नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एनर्जी आई है और हमारे पास ये मैसेज आया है कि हमें इस ऊर्जा से बाहर आना है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये आपके डीप डाउन है, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप उससे बाहर आ गए हो, लेकिन अभी भी वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन कहीं वो चीज़ अभी भी बैठी हुई है, दैट्स वाई वो चीज़ उठ करके बाहर आ रही है, समझ रहे मेरी बात।
तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है और उस ऊर्जा को किल करने की ज़रूरत है इससे पहले कि वो आपको किल करे, वो आपको नीचे लेकर जाए। आपको आगे बढ़ना है, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को और आगे बढ़ना है, क्योंकि एक प्योर जो सोल होती है, जो वाइट लाइट होती है, उसी पर ही नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करती है। जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है ना, तो वो आपको दबाने की कोशिश करती है। तो आप अभी आगे बढ़ रहे हो, आपको यही बोला जा रहा है। कुछ लोग तो अपना एक साइकिल, एक एक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो सकते हैं, छोटे दायरे पर या बड़े दायरे पर, अपने अकॉर्डिंग देखिए। तो यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई जब मैंने ये कार्ड निकाला, उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे नेक्स्ट कार्ड कौन सा लेना है। हालांकि मैंने यहाँ पे डेक लगा रखे हैं सभी, और मुझे पता है कि नेक्स्ट मुझे कौन सा लेना है, लेकिन इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और ये अभी भी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसे देखने का, तो मैं इसे टर्न कर दूँगी। सो सॉरी। ओके, नाउ थैरो से देखते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा किसी को भी नहीं चाहिए, माय डियर, किसी को भी नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। देखिए यहाँ पर भी अभी शैडो आने वाली थी, ओपन हो रही थी। ओके, देखिए जेमिनी इस महीने ना किसी भी तरह के लालच में नहीं आना है आपको, ये बहुत बड़ा मैसेज है। किसी भी लालच में आने का मतलब, किसी भी तरह के लालच में आकर के कोई गलत काम नहीं करना है, अपने पाथ को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपको पता है कि आप उस ऊर्जा से बाहर आ चुके हो, आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप एक प्योर सोल हो, एक अच्छे इंसान हो, उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है किसी भी लालच में आकर, वो लालच कैसा भी हो भले ही। समझ रहे हैं आप? अदरवाइज जो आप आगे जा रहे हो ना, उससे बिल्कुल, उस पाथ से बिल्कुल हट जाओगे आप, और फिर से शुरू करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? और जो साइकिल एंड करने का आप सोच रहे हो, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हो, वो भी नहीं होगा, वो डोर फिर से क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी अक्टूबर मंथ क्या आ रहा है? जेमिनी अक्टूबर मंथ कैसा क्या आ रहा है? अक्टूबर मंथ में टावर देखिए। ओके, ये लिटरली किसी का एक्स हो सकता है, कोई एक्स आपका पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स पर्सन हो सकते हैं। वो दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कुछ स्पेसिफिक एक मैसेज मिल रहा है, ये किसी एक के लिए हो सकता है, उसे सुनने की ज़रूरत है। मे बी आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हो किसी पर्सन के साथ। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये पर्सन आ करके उसको, उस सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। ये इस तरह की ऊर्जा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अवेयर रहिए इस इंसान से। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बस यही कार्ड रह गया था एक निकलना, वो भी निकल गया। फाइव ऑफ पेंटिकल, वन मोर, ओके, स्टार कार्ड, ये देख रहे हैं आप, स्टार कार्ड। इस तरीके से डिवाइन मैसेज देते हैं, अपने आप टर्न हुआ ये। और मैं फोर कार्ड्स लेती हूँ, फाइव कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे डिवाइन ने मैसेज दिया कि फिफ्थ भी लेना है, और वो अपने आप टर्न हुआ, स्टार कार्ड। ओके, अभी हम इन्हें ओपन कर देते हैं ज़रा, क्योंकि मैसेजेस यहाँ पर हमें देने हैं। लिटरली ये बहुत पावर में है, ये कोई पर्सन, सिचुएशन, या ये जो भी ऊर्जा है, बहुत पावर में है जेमिनी, ठीक है। और मैं एक मैसेज दूंगी जेमिनी, इस रीडिंग से डरने के बजाय ना,
डरने से क्या होगा, खुद का ही नुकसान होगा, होगा और कुछ नहीं, खुद का ही नुकसान होगा, अच्छा तो होगा नहीं। इससे अच्छा अवेयर होइए और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़िए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या मैसेज है कि इस महीने जो है ना, ये जो अक्टूबर का मंथ है, आप खुद ही एक लैक मेंटेलिटी में जा रहे हैं, आप खुद ही पास्ट को इनवाइट कर रहे हैं, या आपकी खुद की इनविटेशन है, ये आपकी खुद की इनविटेशन है, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये जो भी डेविल ऊर्जा है, ये जो भी कोई पास्ट है या फिर आपका कोई मुझे पास्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है ये, लेकिन ये कुछ लोगों का लालच हो सकता है, आपके जो भी एडिक्शन हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हो, जिस वजह से कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि टावर की ऊर्जा में आ रही है, जो आपको हिलाने के लिए आना चाहती है इस महीने। और आपको ऐसा लग सकता है वो इस तरह की ऊर्जा है कि होता है ना कि जैसे सभी दरवाजे बंद कर देना, आपको निकलने का मौका नहीं देना, तो ये इस तरह की ऊर्जा है आपके लिए इस महीने। लेकिन आपको बोला जा रहा है इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, इससे अपने आप को लो वाइब्रेशंस में नहीं लेकर जाना है, तभी आप इस समय बैठ कर ये रीडिंग देख रहे हो ताकि आप अवेयर हो जाओ। मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जीज को हाई कीजिए, समझ रहे हैं आप। कैंडल गेजिंग आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, कैंडल जलाइए, वाइट कलर की कैंडल जला सकते हैं आप, ग्रीन कलर की कैंडल जला सकते हैं, कैंडल गेजिंग कीजिए, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन की ऊर्जा है और हमें चाहिए फोकस। फोकस किस पर? फ्यूचर पर, अच्छी चीज़ों पर, गुड चीज़ों पर, समझ रहे हैं, जो जैसा फ्यूचर आप चाहते हो। और पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए अपने आप को, 55x5 टेक्निक्स या जितनी भी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स हैं उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, प्रेजेंट टेंस में उनको लिखिए कि वो चीज़ें अभी आपके पास हैं। पूरी तरह से ऐसी तैयारी शुरू कर दीजिए कि आपने इस ऊर्जा को तो अपनी ऊर्जा देनी ही नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप खुद का ही नुकसान करेंगे, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लोगों की रिस्पेक्ट जाते हुए भी देख रही हूँ। लेकिन वो तभी है जब आप उसको अपनी ऊर्जा दोगे। अभी ये आपको ध्यान रखना है कि आप कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। कॉन्शियसली तो हम ध्यान दे देते हैं कि यस, हमारे माइंड में ये थॉट चल रहे हैं, जैसे ही आए हम अवेयर हो सकते हैं, हम उस ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन हमारी क्या चीज़ बैठी हुई है, उसे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये नहीं जान पाते। तो उसके लिए आपको तभी बोला जा रहा है कि पूरे दिन में, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप घर पे रहते हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दीजिए अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव एफर्मेशंस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव, जो भी देना चाहे, आई एम लव, आई एम अबंडेंट, कुछ भी, ठीक है, तो आई एम प्रोटेक्टेड ये बोल सकते हो आप। जैसे मैंने प्रोटेक्शन लेने के लिए बोला, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। लेकिन किसी भी तरीके से इस ऊर्जा को अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, इस नेगेटिव ऊर्जा को ऊर्जा नहीं देनी है, तो आप फिर भी इस ऊर्जा से बच जाओगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको विद दी स्टार कार्ड, यहाँ पर डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इमोशंस ज़रूर आपकी उथल पुथल हो सकते हैं, लेकिन होप नहीं खोनी है। इसी बीच आपको बहुत सारी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, तो कोशिश कीजिए कि उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फोकस कीजिए, उन पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए। दैट्स वाई मैंने आपको कैंडल गेजिंग बोली है, जिसे कि हम त्राटक भी बोलते हैं। लेकिन त्राटक का पूरा प्रोसेस क्या होता है उसे समझे बगैर त्राटक मत कीजिएगा, ठीक है, वो आप YouTube पर आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो होप नहीं खोनी है, पॉजिटिव रहना है, चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी, लेकिन इसको आपने बहुत अच्छे से हैंडल करना है। मैं कहूँगी कि आपके लिए एक टेस्ट की तरह है, डिवाइन आपको देखना चाहते हैं कि आपको यहाँ से मैसेज मिले हैं, अब आप इन्हें इस एनर्जी को कैसे हैंडल करते हो। डिवाइन तो है आपके साथ, वो तो है आपके साथ, लेकिन अब आप उनके मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, लेकिन उन मैसेजेस को कैसे आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो या छोड़ देते हो। मैं तो कहूँगी अगर आप अक्टूबर मंथ से पहले ही ये सुन रहे हो ना जेमिनाय, तो इन्हें अप्लाई करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, ताकि आप इस ऊर्जा से डिस्टेंस मेंटेन कर लें।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई इंस्टेंट कोई इंसिडेंट हो सकता है। देखिए, अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो थोड़ा संभल कर कीजिए, ठीक है? रूल्स को फॉलो कीजिए, ये याद रखिएगा। अगर आपके ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, अगर आपके ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही है तो लोगों से थोड़ा बच कर के रहने की ज़रूरत है। आप इस महीने उनकी पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, ठीक है? देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसलिए इतना डिटेल्स में चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकलिटी की चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं बताती, क्योंकि अभी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि नेगेटिविटी की तरफ फोकस नहीं करना। लेकिन अगर अगर अभी मैं ये सब चीज़ें बोल दूंगी ना, तो आप बस यही सोचोगे, अच्छा मेरे लिए कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, अच्छा मुझे तो पता है वो कर रहा है, मे बी ये वो ही करेगा। अभी आप अपनी ऊर्जा कहाँ दे रहे हो, फिर उसी उसी तरफ दे रहे हो ना, उसी नेगेटिविटी की तरफ दे रहे हो, तो आपको वही नहीं करना है। देने को मैं यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं दूंगी ना उस तरह के मैसेजेस, तो आप सिर्फ उधर ही फोकस करोगे। तो आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मेरा मेन जो आपको बताने का पॉइंट है कि आपको इस महीने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस करना है, ये ध्यान रखना है, हर वक्त अवेयरनेस में रहना है कि आप सोच क्या रहे हो, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हो, माइंडसेट को शिफ्ट कर दो अपने, ट्रांसम्यूट कर दो। बताया है ना मैंने ट्रांसम्यूट किया, ट्रांसम्यूट कैसे करना है, अपनी क्रिएटिविटी में लगा दो, जिस चीज़ के लेके जिस चीज़ को लेकर के पैशनेट हो उसमें लगा दो, बाहर घूमने चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, कर सकते हो तो। अगर नहीं मन बैठता है फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का, तो सबसे अच्छा यही तरीका है, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन पे लग जाओ, अपनी क्रिएटिविटी में लग जाओ, क्योंकि उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। पैशन का मतलब क्या है, आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो और उसको अपनी जब आप उस पर लगते हो ना, तो आप पूरे माइंड बॉडी स्पिरिट के साथ लग जाते हो, तो सोचने का तो वक्त ही नहीं मिलेगा। तो उसको अपनी ऊर्जा दो, थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं, क्योंकि ये जो फिजूल के थॉट्स हैं ना, ये ला ला कर आप कहीं इन चीज़ों को मैनिफेस्ट ना करें, ये आपको डिवाइन बोल रहे हैं। और फिजूल खर्ची से ज़रूर बचिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कहने का ये सेंस है कि अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ को लेकर के कोई भी इशू होता है, तो उसको डॉक्टर को दिखाइए, डिले मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। अब ये मत सोचना ओहो मुझे ये हो गया, कहीं ये चीज़ तो नहीं हो जाएगी क्योंकि मेरे कार्ड्स में आया था। अभी फिर वो क्या होगा कि आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये आपको लास्ट कार्ड भी बता रहा है और ये मैसेजेस भी बता रहे हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा है, ठीक है? लेकिन एक मैसेज आपको और दूंगी माय डियर, ये जो टावर की ऊर्जा है ना, अगर फिर भी एक बात याद रखिएगा, अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज में रहते हैं, जो चीज़ आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होगी, अगर आप उसके साथ अटैच्ड हैं, तो इस महीने पूरी तरह से वो चीज़ चली जाएगी, वो फिर भी होगी। ये दूसरा मैसेज था, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जॉब हो सकती है, मैं ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल, इसे एज अ एग्जाम्पल ही लीजिएगा। अगर आप अपने ऑफिस में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, आप मे भी शिफ्ट करना चाहें, चेंज करना चाहें, और आपको जो अब जॉब मिले वो बेटर मिले, या फिर जो आप चाहते थे वही जॉब मिले, तो आप ज़्यादा खुश हुए ना। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कुछ अपनी तरफ से करने के बारे में सोचे ना, तो पूरी प्लानिंग के साथ सोचिएगा, पहले प्लानिंग कीजिए, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि छोड़ करके घर बैठ गए, अगर अपनी तरफ से डिसीजंस ले रहे हैं, सामने से अगर डिसीजन आ रहा है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई डिसीजन शिफ्ट करने का ले रहे हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ लीजिए, ये यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं। और माय डियर, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये डेविल की ऊर्जा ये ही चाहती है, और आपको इसको ये ऊर्जा नहीं देनी है। अपने आप को किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से अकेला फील नहीं करना है, चाहे फिजिकैलिटी में, फिजिकल वर्ल्ड में कोई आपके साथ हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है, और डिवाइन से बड़ी ऊर्जा कौन सी होती है। लोग तो आते जाते रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन डिवाइन हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अपनी यूनिकनेस के साथ जुड़िए, अपने अंदर खोजिए, इसको ऊर्जा देने से अच्छा है। ये महीना आपके लिए इतना बेस्ट है इस चीज़ के लिए,
अपने अंदर खोजिए कि आपके अंदर क्या क्रिएटिव, क्या यूनिक है, उसके साथ काम करिए और आगे बढ़िए। इसे ऊर्जा नहीं देनी हमने इस महीने। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर क्या आया था, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। क्योंकि ये जो ऊर्जा होगी ना, अगर मैंने बोला, मैंने जो सेकंड मैसेज आपको दिया कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो फिर भी अगर कुछ ऐसा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में होता है, कुछ इंस्टेंट चेंज आता है, तो वो आपके भले के लिए ही है, वो आपको राइट ट्रैक पर लेकर आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच सोच कर नेगेटिविटी को इन्वोक कर रहे हैं, बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो फिर वो गलत है, फिर वो उससे आप हार्म हो सकते हो। यस, और देखते हैं। और एक बात और बोलूंगी जेमिनी, है अपनी पोटेंशियल पर डाउट मत कीजिए, अपने पर डाउट मत कीजिए। कुछ भी नया करना चाहते हैं, अपने पैशन को, क्रिएटिविटी को फॉलो करना चाहते हैं, या किसी भी तरफ आपका दिल गवाही देता है, आप उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। पास्ट में क्या हुआ, पहले क्या एक्सपीरियंस किया आपने, वो मैटर करता ही नहीं है, वो तो हो चुका, वो मैटर नहीं करता। उससे आगे बढ़ना है आपको, डीमोटिवेट नहीं होना, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को मत पकड़िए। पास्ट में क्या हुआ उसे सीख लीजिए कि वो गलती दोबारा नहीं होगी, और पॉजिटिव होना है और पॉजिटिव वे में फॉलो कीजिए आगे। समझ रहे हैं आप? अपने आप को बांधिए मत किसी चीज में। ओवरथिंकिंग तो नहीं करनी है यहाँ पर आपको, मेडिटेट कीजिए। अगर ओवरथिंकिंग हो रही है जेमिनी, आपको आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, किसी बुरी चीज़ के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हो, तो अपने आप को बिजी कर दो। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे क्या आया ना, टू ऑफ पेंटिकल्स आया। अपने आप को बिजी कर दो, काम में बिजी कर दो, अपने आप को खाली ही मत छोड़ो। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। खाली दिमाग रहेगा तो आप सोचते ही रहोगे। बिजी कर लो अपने आप को बहुत ज़्यादा, कि वक्त ही नहीं है अभी। ये बंदा, ये पर्सन जो है पेंटिकल्स को इधर उधर घुमा रहा है। समझ रहे हैं आप? अभी वो इतना उसमें फोकस्ड है कि अगर वो अपना ध्यान सोचने में लगा देगा तो पेंटिकल ही गिर जाएगा ना, है ना? वो जगलिंग जो कर रहा है ऐसे वो तो गिर जाएगा। तो अपने फोकस को कहीं और लगा दो, आप अपने काम में लगा दो, या अपनी क्रिएटिविटी में, जो भी आप करना चाहते हो। अपने अकॉर्डिंग देखिए, अपने एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखिए, आपकी खुद की है, और वहीं आपको वो पीस मिलेगा। इन्फिनिटी का भी साइन है, कर्म में लगा दीजिए। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। और ये जो आप जुड़ोगे ना अपने पैशन से, क्रिएटिविटी से, या जो भी जिस चीज़ से भी, कुछ आइडियाज़ नए नए आएंगे। क्योंकि जब आप इसे ऊर्जा नहीं दोगे तो नए नए आइडियाज़ क्रिएट होने वाले हैं आपको, तो उसको लेकर कि आप आगे बढ़ने वाले हो। समझ रहे हो आप? वो आप कुछ एक अलग ही, जिसे कहते हैं ना, इन्वेंट कर लोगे अपने लिए कुछ ना कुछ। आपको एकदम से ये चीज़ आएगी, ओके ये खूबी भी थी मेरे में, मैंने तो ये जाना ही नहीं कभी कि मेरे में भी ये खूबी है, मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओम नमः शिवाय। अक्टूबर मंथ, सैक्रल चक्र, मैं आपको बोल रही हूँ आपकी क्रिएटिविटी सैक्रल चक्र है ये। ओम नमः शिवाय। द वेटिंग गेम, अथॉरिटी, डिसेप्शन एंड एनवी, और बॉटम ऑफ द डेक है प्रॉस्पैरिटी बिगिंस। ठीक है, अगेन यहाँ पे शेडो का ही है। देखिए माय डियर जेमिनी, ये ना हम लोगों पे, हमारे खुद पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को ऊर्जा दे रहे हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो हमने खुद इन्विटेशन दे रखा है, हम खुद ही नेगेटिविटी को ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ में हो रही है। अगर हम उस तरफ ऊर्जा देंगे ही नहीं, हम पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारी लाइफ में भी पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको उस तरफ ध्यान देना है, उस तरफ सोचना है। वैसा सोचोगे तो वैसा करोगे, तो वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो फिर वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और यहाँ पर भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए, अपने सैक्रल, हमारा जो सैक्रल चक्रा होता है वो हमारा हमारी क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। फेमिनिन कह सकते हैं आप, आपकी सेक्सुअल जो होती है
उनको डिनोट करता है। अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए, ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज कलर का यूज़ कीजिए, ऑरेंजेस खा सकते हैं तो खाइए, और ऑरेंज कलर को अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपनी लाइफ में इस महीने इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे वेटिंग गेम है, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भी आप चीज़ करोगे, मैंने आपको बोला ना, यहाँ मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि कुछ ना कुछ आप क्रिएट करने वाले हो, वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा माय डियर, बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, वो वैसे नहीं हो रही थी, आप कुछ, आपके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया आया, आपको अपने अंदर से वो उस चीज़ को आपने निकाला अपने अंदर से बाहर, और आप उसको लेकर के आगे बढ़े, और आपको वो आइडिया मिल गया, आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने लग गए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस है हमारे लिए, खुशियाँ हैं आपके लिए, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस है, वो फ्रूट्स हैं। अभी अगर उस बीज को बोगे तो वो पेड़ उगेगा और वो फ्रूट्स आपको मिलने शुरू होंगे ना, तो उसके लिए बीज तो बोना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बीज ही किसी और चीज़ का बोगे, नेगेटिविटी का, तो फिर वो बोएगा क्या? फिर तो वो ये वाला ही ट्री होगा सूखा। देखिए यहाँ पर डिवाइन भी ना आपको दो ही मौके दे रहे हैं, अब देख लीजिए, नेगेटिव सोचेंगे तो ये ट्री है आपके लिए, 5 of Pentacles, ड्राई, लॉस ही लॉस। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचोगे तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लिए, और यही मैसेज मैं भी आप ही को दे रही हूँ। और आपको यहाँ पर अथॉरिटी का आपके लिए मैसेज है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें करनी है किसी के सपोर्ट से नहीं करनी है, कहने का मतलब कि कोई उसकी अथॉरिटी ना ले, आप लें उसकी अथॉरिटी, आप अपने बलबूते करें जो भी करें, अपने माइंड, अपना पूरा माइंड लगा दीजिए, अपनी पूरे लॉजिक लगा दीजिए, या अपने माइंड के साथ जो आपको आपको लगता है ना सही, उसके साथ कीजिए, कुछ नया इन्वेंट कीजिए, कुछ नया क्रिएट कीजिए। अगर इतने बिजी आप इस महीने हो गए तो ये जो भाई साहब आए हैं ये तो मुँह मोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, मैं यहाँ पर डराने आया हूँ, मैं यहाँ लुभाने आया हूँ, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर मैं तो बेकार में आ गया, मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं और ही ट्राई करते हैं, है ना। तो इस ऊर्जा को, ये पावर दिखाने की जरूरत है कि मेरे अंदर वो पावर है, मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मैं ऐसी ऊर्जा से डरता नहीं हूँ। मैंने बोला ना, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स में लेकर आओ, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, साथ में प्रोटेक्शन भी लो, तो ये ऊर्जा ही डर के भाग जाएगी, ये सिर्फ डरा रही है, इससे ज़्यादा कुछ करेगी नहीं अगर आप ऐसी वाइब्रेशंस में रहेंगे तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और डिसेप्शन एंड एनवी है यहाँ पर, 7 of Swords की ऊर्जा है। डेफिनेटली कोई ना कोई लाइफ में आपके पर्सन हो सकता है जो कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहा हो, कोई है, कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज है, जैसे कि मैंने बोला ये आपके एक्स को डिनोट कर रहा है, वो मास्क पहन के, जैसे कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं, अपने पिक्चर्स वगैरह डालते हैं, तो माय डियर अवेयर हो जाइए थोड़ा, इस महीने कम कर दीजिए मैं तो कहूँगी, क्योंकि ऐसे लोग ताक झांक बहुत कर रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जालिस फील करते हैं आपसे, मास्क पहन रहे हैं, या फिर मतलब होता है ना कि हाइड एंड सीक जैसे खेलना, छुप करके आपको देखना कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा अच्छा चल रहा है तो अब इसे ख़राब करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये वो ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा से बचना है आपको। अवेयरनेस तो रहेगी आपके लिए, अवेयरनेस तो चाहिए। ओके, ओम नमः शिवाय। और क्या गाइडेंस है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने डिवाइन? द सोर्स, एस ऑफ वांड, ब्यूटीफुल सोर्स। ट्रैवलिंग, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ट्रैवलिंग पे, ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, ट्रैवल पे कहीं जा सकते हो। डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना कोई मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, एट ऑफ वॉन्ट्स की ऊर्जा है, और अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आएंगी। अब मैं कह रही हूँ ना, आपको ध्यान देना है, अपॉर्चुनिटी एक नहीं है, दो नहीं है, ज़्यादा आएंगी आपकी तरफ,
लेकिन आपको ध्यान देना है आप किस तरफ अपनी ऊर्जा दे रहे हो, उस तरफ दे रहे हो, उस तरफ ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव एफर्मेशंस तो आप ऐड करो ही जेमिनाई, और मैं कहूँगी ग्रैटिट्यूड में रहना शुरू कर दो। अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए कि मेरी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव है, और उसको लेकर के डिवाइन को डेली ग्रैटिट्यूड पे करना है, पूरे वक्त ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जब आप इतनी अच्छी ऊर्जा में रहोगे, मुझे बताओ कि जो इंसान हर वक्त डिवाइन को जो है याद कर रहा है, ग्रैटिट्यूड पे कर रहा है, पॉजिटिव रह रहा है, तो डिवाइन ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे ना। कुछ बुरा अगर कोई करने के बारे में सोच भी रहा होगा, क्योंकि वो तो बुरा है, मैंने बोला ना कि ये ऊर्जा तो देख करके डर करके चली जाएगी, ये आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि डिवाइन आने नहीं देंगे फिर ऐसी ऊर्जा को। तो ये आपको देखना है, और आपको बोला जा रहा है सोर्स के साथ जुड़ी है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, सोर्स है आपके अंदर ही, ये आपका सैक्रल चक्र है। जुड़िए अपनी क्रिएटिविटी से, जुड़िए अपने यूनिकनेस से, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो यूनिक है, चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे कई मैसेजेस ऐसे आते हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ तो मेरी लाइफ में क्या होगा। तो माय डियर हाउसवाइफ, आप हैं, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, घर सजाने की हो सकती है, खाना पकाने की हो सकती है, एफर्ट्स तो आपको डालने हैं। कौन कहता है जो घर पे रहता है वो काम नहीं कर सकता, वो अपनी क्रिएटिविटी या अपने पैशन के साथ नहीं जुड़ सकता। दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कर्म करने की ज़रूरत है बस। आजकल तो यूट्यूब है, कुकिंग आप चैनल खोल सकते हो, निटिंग करते हो तो उसका चैनल खोल लीजिए, कुछ भी करते हैं आप उसका चैनल खोल लीजिए, शुरुआत तो कीजिए। जब तक डरोगे तब तक तो वो ऊर्जा डराएगी ही, आपको डिमोटिवेट ही करेगी ना। आपको अपने आप को उठाना है, कोई बाहर से कोई थर्ड पर्सन नहीं आ जाएगा आपके लिए। और आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं, आप सिर्फ लाइट पर फोकस करो। पाथ जितना भी डिफिकल्ट हो, पाथ भले ही जितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन लाइट की तरफ फोकस करना है आपको, तो ये डिफिकल्टी से भी आप निकल जाओगे। समझ रहे हैं आप? ओके, एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं जेमिनाई। Healer of the ages. Door to value. अब बताइए इतने अच्छे messages आपके लिए आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या message है। Healer of the ages का card है। आप लोग healers हो सकते हैं, अगर हीलर नहीं भी हैं किसी ना किसी तरीके से तो आप हील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड अगर आया है तो इट मीन्स आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो पावर है। पावर तो सभी में, हम सब में होती है, लेकिन हम उसको जान ही नहीं पाते, उससे दूर रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं आप अपनी सिचुएशन को खुद हील कर सकते हैं अपने ही अंदर की ऊर्जा से। अपने चक्रास को एक्टिवेट कीजिए, बैलेंस कीजिए, अपनी ऊर्जा के साथ जुड़िए, अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने सैक्रल चक्रा को हील कीजिए, ओपन कीजिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को, जो आपको रिस्पेक्ट दिलाते हैं, जो आपके सन की ऊर्जा है जिसको मैंने बोला आपको, उसे हील कीजिए। इनके बीज मंत्रास हैं, मैंने कितनी बार चैनल पे अपने बोले हैं, उन्हें आप चैंट कर सकते हैं इन्हें हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। मैं एक बार बता देती हूँ, भले ही कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, लेकिन जो लोग सुनते हैं मुझे उनके लिए तो बताना है, जो लोग काम करते हैं, जो नहीं करते हैं उनकी छोड़िए। जो आपका रूट चक्रा होता है, जो आपको फियर से दूर रखता है, रूट चक्रा के लिए रेड कलर को डिनोट करता है रूट चक्रा आपका, उसके लिए लम, LAM, लम बीज मंत्रा होता है। मिनिमम 41 या 51 टाइम्स आप उसे चैंट कीजिए ही कीजिए। कैसे करेंगे, लम, ठीक है। और सेकंड आपका सैक्रल चक्रा होता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चक्रा हमारा होता है सैक्रल चक्रा, ठीक है। सैक्रल चक्रा, सॉरी टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी, सैक्रल चक्रा जो है वो आपका ऑरेंज कलर का होता है, और इसका जो बीज मंत्रा होता है वो होता है वम, VAM, वम। इसको चैंट कैसे करते हैं, वम। क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, उतने ही टाइम आपको बोलना है जितना वो है। और नेक्स्ट हमारा होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा थर्ड, वो येल्लो कलर का होता है, ब्राइट येल्लो, सन को डिनोट करता है। और उसकी जो बीज मंत्रा होता है वो होता है रम, RAM, रम। इसकी चैंटिंग कैसे करेंगे,
देन हमारा होता है हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा ग्रीन कलर का होता है और हार्ट चक्रे का जो बीज मंत्रा होता है वो होता है यम, YAM, यम. इसको चैंट कैसे करेंगे? यम. देन हमारा थ्रोट चक्रा, वो लाइट ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर आप कह सकते हैं, उस कलर का होता है. उसका बीज मंत्रा होता है हम, हम, ठीक है. देन हमारी थर्ड आई, थर्ड आई वॉयलेट कलर, उसको उसके लिए जो बीज मंत्रा होता है वो होता है ओम, ठीक है. वाइब्रेशंस लेकर आनी है अपनी बॉडी के अंदर, समझ रहे हैं आप. और जो क्राउन चक्रा होता है हमारा, सेवेंथ चक्रा, उसका कोई भी बीज मंत्रा नहीं है, वो साइलेंस है, डिवाइन से जुड़ना, साइलेंस, ठीक है, शून्य हो जाना, तभी तो डिवाइन से मिल पाएंगे. दिमाग में बहुत कुछ चलेगा तो कैसे मिल पाओगे, है ना. तो ये चक्रास को आप बैलेंस कर सकते हो. फिर देखिए जो चक्रा हीलिंग करते हैं, चक्रास को बैलेंस करते हैं, वो अपनी लाइफ में खुद चेंजेस देखते हैं, ठीक है. और जो जो कलर्स मैंने आपको बताए हैं ना, जब जब आप जिस जिस चक्रा की चैंटिंग कर रहे हैं, हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, उस कलर को वहाँ पे फील करना है आपको कि वो कलर वहाँ पे है. और उस कलर का जो सर्कल है, एक सर्कल में है वो कलर, जैसे कि लम बीज मंत्रा है हमारा उसका रूट चक्रा का, तो आपको ये सोचना है कि वहाँ पे रेड कलर, डार्क रेडिश ब्राउन कलर जो है वो सर्कल में घूम रहा है, ब्राइट हो रही है उसकी लाइफ. तो ऐसे सभी का आपने इमेजिन करना है आइज बंद करके, ठीक है. तो यस, और यहाँ पर है डोर टू वैल्यू, आपको बताया जा रहा है आपके लिए वो दरवाजे खुल रहे हैं, बस आपको देखना है उस लाइट की तरफ, उस दरवाजे की तरफ. अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इस महीने, देखना आपको है, देखना आपको, ठीक है. लास्ट हम देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. जेमिनी अक्टूबर मंथ, हील अवे, लीजिए आगे आपका कार्ड जो मैं पूरी रीडिंग में बोल रही थी, हील अवे एडिक्शंस. इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स that are blocking you from your heart desire. Ask Archangel Raphael to help you with this healing. आप Archangel Raphael को बुला सकते हैं healing करने के लिए. Archangel Raphael आपके heart chakra को heal करते हैं. और आपको यहाँ पर मैं angels बोल रहे हैं कि ये time है जो आप addictions में अगर हैं, या किसी past ऐसी situation के अंदर है, कोई behavior आपका ऐसा चल रहा है, या किसी भी ऐसी situation person के साथ हैं, आप situation में involved हैं, उससे बाहर आने का, जो कि आपको आपके दिल के, आपके पैशन को, आपके डिज़ायर्स को, और मैं कहूँगी आपकी क्रिएटिविटी को फॉलो करने से रोक रहा है, उस अबंडेंस को आपकी लाइफ में आने से रोक रहा है, उस पीस को, उस मैं कहूँगी अबंडेंस ही कहूँ मैं, हर तरह से उसे आने से रोक रहा है. तो ये वक्त है उसे टाटा बाय बाय करने का, उसे मूव ऑन करने का. और यही एक बहुत बेस्ट तरीका है उसे मूव ऑन करने का, कि पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ माइंड लगाइए अपना. समझ रहे हैं आप मेरी बात? होप जेमिनी आप समझ रहे हो. ये थी आपकी रीडिंग अक्टूबर मंथ की. आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो. मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.